हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रोपिज्म एंड सीडो एलील्स। मेरा नाम है प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल एलील्स की। इसके नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। एलील्स मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो किसी एक जीन पर दो एलील्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें से एक एलील जो है उस जीन के डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एलील जो है उस जीन की रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने मेंडलिज्म में देखा था, मेंडलिस ने जो लॉ दिए थे उन्होंने प्लांट की हाइट एक करेक्टर लिया था जिसमें से अगर हम बात करें हाइट में टॉल जो है वो डोमिनेंट था और ड्वार्फ था वो उसका करेक्टर रिसेसिव था। तो कैपिटल टी से हमने टॉल को रिप्रेजेंट करा था जो कि डोमिनेंट था और स्मॉल टी से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, रिसेसिव को, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनमें एलील्स की संख्या दो से अधिक होती है, ऐसे जीन्स को कहा जाता है मल्टीपल एलील्स जीन, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं, एन एलील विच कंटेन्स ऑफ थ्री और मोर एलील्स ऑन द सेम जीन्स, मतलब ऐसे जीन जिन पर कितना तीन या तीन से अधिक एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। लोकेटेड एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सारे के सारे जो मल्टीपल एलील्स हैं वो इस पर होमोलोगस के सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर मल्टीपल एलील्स, इस मल्टीपल एलील्स का रीजन क्या होता है, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के कारण ये सारे की जो घटना है ये होती है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स के बारे में। मल्टीपल एलील्स ऑलवेज बिलोंग टू द सेम लोकस एंड वन एलील इज प्रेजेंट एट द लोकस एट ए टाइम इन ए क्रोमोसोम्स। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो सभी के सभी जो है सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं और एक एलील जो है वो एक लोकस पर ही प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जीन की बात करें, ठीक है, जैसे कि ये कोई जीन है और इसके हम देखते हैं नॉर्मली दो एलील्स हैं, ठीक है ना। चलो हम ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जो है वो क्या है, जीन है जो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके तीन एलील्स होते हैं, नंबर ए जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर सेकंड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर थर्ड को हम सी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन एलील्स होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं आई जीन द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों के तीनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, या तो उसके अंदर ए और ओ प्रेजेंट होंगे या उसके अंदर बी और ओ प्रेजेंट होंगे या उसके अंदर ए बी प्रेजेंट होंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ए और ओ प्रेजेंट है दैट मींस उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बी और ओ प्रेजेंट है तो उसका दैट मींस उसका ब्लड ग्रुप बी है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ए और बी दोनों हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, और अगर किसी के अंदर सिर्फ ओ जीन्स ही प्रेजेंट है दैट मींस उसका फिर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। तो एट ए सेम टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एलील्स तो दो ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलील्स होते हैं वो तीन होते हैं। इन तीनों में से कोई दो प्रेजेंट होंगे किसी एक ऑर्गेनिज्म में एट ए टाइम, जिसके बेस पर जो है उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो आई जीन्स के जो कि ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है उसके लिए तीन एलील्स होते हैं, बट किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में से कोई दो एलील प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कि नहीं कि आपने सुना होगा किसी ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा ए बी ओ है, ए बी ओ नहीं सुना होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए सुना होगा या ब्लड ग्रुप बी सुना होगा या ब्लड ग्रुप ए बी सुना होगा या ओ सुना होगा। क्यों, क्योंकि एट ए सेम टाइम सिर्फ किसी जीन पर दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल एलील्स कंट्रोल द सेम करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स
जीन एक्सप्रेशंस ऑफ ए करेक्टर्स विल डिफर इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंट एलिल्स। जितने भी कोई भी स्पीसीज होती है तो हर एक स्पीसीज में इंडिविजुअली जो जीन जो होते हैं वो सेम करेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हमने अभी एग्जाम्पल लिया था जीन जो है आई, वो जीन आई जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पर्टिकुलर ह्यूमन बींग में उसके लिए जो ब्लड ग्रुप के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सा है, वो आई ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन मल्टीपल एलील सीरीज। जो मल्टीपल एलील जो होते हैं उनके अंदर क्या चीज, क्रॉसिंग ओवर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर क्या है, क्रॉसिंग ओवर वाली जो प्रोसेस होती है वो चीज नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर जो है ये किसमें होता है, ये मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेस फर्स्ट में होता है। तो मल्टीपल एलील सीरीज में ये क्रॉसिंग ओवर एबसेंट है। इन सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील्स वाइल्ड टाइप्स इज ऑलवेज डोमिनेंट। दो टाइप के एलील्स होते हैं, एक नॉर्मल एलील्स होते हैं, दूसरे होते हैं वाइल्ड टाइप एलील्स। जो वाइल्ड टाइप जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, डोमिनेंसी को शो करते हैं। नेक्स्ट रखा द क्रॉस बिटवीन टू म्यूटेंट टाइप विल ऑलवेज प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप्स इंटरमीडिएट। सच क्रॉस will never produce the wild phenotypes. Multiple alleles do not show complementations. इसका मतलब ये होता है कि दो अगर म्यूटेंट टाइप के एलील्स का क्रॉस कराए, ठीक है ना, म्यूटेंट टाइप के दो एलील्स का क्रॉस कराए तो उनका जो वो जो प्रोड्यूस करेंगे अपना ऑफस्प्रिंग्स वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी म्यूटेंट होगा। ठीक है ना, म्यूटेंट का मतलब ऐसे जीन्स जिनके अंदर म्यूटेशन हो चुका हो उनको म्यूटेंट जीन्स बोलते हैं। ठीक है ना, और इस प्रोसेस को म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स के। तो इसके बहुत सारे हमने एग्जांपल यहां पर कोट किए हैं, जैसे कि नॉट विंग्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जो विंग्स होते हैं वो जो है किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद है फर कलर इन रैबिट्स। रैबिट में जो फर का कलर जो होता है, उसके जो हेयर्स जो होते हैं उनमें जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स का। वैक्सी जीन्स इन मेज, मक्के में जो है जो जीन्स होते हैं वैक्सी जीन्स, वो भी मल्टीपल एलील। और अभी हमने जो बताया था ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो किस जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, वो आई के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और अगला है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मल्टीपल एलील्स के हैं, मतलब ऐसे जीन्स जिसके एलील्स जो है वो दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, और सिर्फ स्पीसीज में ओनली दो एलील्स ही रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक, वो कोई से भी दो एलील्स हो सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल को थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश की है, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप्स। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसने की, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, कार्डलैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी, 1900 में की थी। दो चीज होती है, एक एंटीजन होता है, दूसरा एंटीबॉडीज होती है। एंटीजन को वो फॉरन पार्टिकल होता है जो बॉडी में एंटर करता है। ठीक है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल करने के लिए हमारे में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज उस फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की बी सेल्स द्वारा, पैनक्रियाज की बी सेल्स द्वारा एंटीबॉडीज सीक्रेट की जाती है। In humans, RBCs, there are two types of antigens, A or B. Blood cells की अगर बात करें तो तीन टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और एक तीसरी होती है प्लेटलेट्स, इसको बोला जाता है प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स, ये तीन हमारे में ब्लड में सेल्स, तीन टाइप की सेल्स होती हैं। इसमें से जो आरबीसी जो होती है
आरबीसी होती हैं, उसके अंदर दो टाइप के एंटीजेंस पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजेंस बी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ए एंड बी, द ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस बीइंग आर फोर टाइप्स, ए बी एंड ओ। थोड़ा सा देख लेते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ये ब्लड का टाइप है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज बी होती हैं, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडीज ए होती हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ए एंड बी। अगर हम एंटीजेंस की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजेंस होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ए बी दोनों एंटीजेंस होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप में ना ए ना ही बी एंटीजन होता है, कोई भी एंटीजन उसमें नहीं होता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम मल्टीपल एलील्स इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में हमने एक एग्जांपल लिया है मेज का, जिसमें हमने मल्टीपल एलील्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने किया है। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टी एलील्स इन प्लांट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एलील्स विच प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मल्टीपल एलील्स इन मेज, शीट कलर इन मेज इज कंट्रोल्ड बाई एन एलिलिक सीरीज एट ए स्पेसिफिक लोकस, ठीक है। सीड कलर जो होता है, मतलब ग्रेन्स का जो कलर होता है मेज में, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मल्टीपल एलील्स के द्वारा। मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट फॉर दिस लोकस इन्फ्लुएंसिंग सीड कलर वेराइटीज, एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एलील्स, और वो उनमें वेरिएशंस क्या होता है, उनका जो वेरिएशंस होता है वो उसकी मेज की जो है क्या करता है, वो कलर को कंट्रोल करता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें तीन टाइप के एलील होते हैं, एक तो वाइल्ड टाइप एलील्स होता है जिसको हम कैपिटल ए रिप्रेजेंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा म्यूटेशन ए होता है और दूसरा म्यूटेशन ए डैश होता है। अगर वाइल्ड टाइप ए की बात करें तो म्यूटेंट एलील्स रिजल्टिंग इन पर्पल शीट कलर, जिनके जिन मेज के अंदर वाइल्ड टाइप ए होगा, दैट मींस वो डोमिनेंट होगा और उसका कलर कैसा होगा, पर्पल सीड कलर होगा। जिन मेज वेराइटीज के अंदर क्या होगा, एलील्स म्यूटेशंस ए, स्मॉल ए जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होगा वो कैसा है, वो एक रिसेसिव एलील्स है कॉजिंग सीड वाइट कलर्स। वो किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप देखो यहाँ पर जो सीड का जो वाइट कलर्स है वो। तीसरा जो दे रखा है वो म्यूटेशंस ए डैश, दैट मींस वेरिएंट एलील्स प्रोड्यूस द लाइट पर्पल सीड कलर, जो लाइट पर्पल कलर के जो सीड होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, कौन सा, म्यूटेशंस ए वेरिएंट जो होता, ठीक। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म जो है वो एक तरीके से जो है मल्टीपल एलील्स का जस्ट अपोजिट उसको कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीपल एलील्स में क्या होता है, एक जीन्स के कई सारे एलील्स होते हैं, जैसे हमने ब्लड ग्रुप में देखा जीन आई के जो मल्टीपल एलील्स थे वो कौन कौन से थे, वो तीन थे, ए बी और ओ। तो ये जो तीन एलील्स थे ये किसके थे, ये थे ब्लड ग्रुप जिसका जीन हम आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई दो एलील्स एट ए सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लियोट्रोपिज्म में इसका थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है, इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। इन जनरल वन जीन अफेक्ट ए सिंगल करेक्टर्स, एक जीन जो होता है वो एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है जनरल में, जो हमने मेंडल्स में अधिकतर देखा था। बट मैनी जीन्स आर नोन टू अफेक्ट मोर देन वन करेक्टर्स, सच जीन्स इन नोन एज प्लियोट्रोपिज्म जीन एंड द कंडीशंस इस टर्म एज प्लियोट्रोपी। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक जीन जो है, ये हम कोई जीन कर देते हैं, ठीक है ना, हम इसमें एक एग्जांपल भी लेंगे, हम एग्जांपल जो समझा देते हैं वो समझा देते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, हम मटर के पौधे का ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझाना आसान रहेगा, क्योंकि आप मेंडल्स लॉ में पढ़ चुके हो। तो
मटर के पौधे में एक जीन होता है, ठीक है, वो सिंगल जीन है, लेकिन उसके तीन करेक्टरिस्टिक्स को वो कंट्रोल करता है, मटर के तीन करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। पहला है सीड कलर, सीड कोट कलर की, सीड सीड मटर का जो सीड होता है उसका कोट जो होता है, ठीक है ना, उसका क्या चीज, उसका कोट कलर, कोट कलर, ठीक है। एक तो करेक्टरिस्टिक्स ये है, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेड स्पॉट इन एक्सेल ऑफ रीड लीव, क्या इसकी जो लीव जो होती है उस पर रेड रेड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना, रेड स्पॉट्स, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करता है ये स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स। तो दो करेक्टरिस्टिक्स हो गए, और तीसरा करेक्टरिस्टिक्स होता है फ्लावर का कलर, फ्लावर का क्या चीज, कलर, फ्लावर कलर। एक सिंगल जीन है जिसके द्वारा क्या चीज, सीड कोट कलर भी कंट्रोल हो रहा है, दूसरी चीज जो है क्या, रेड कलर के स्पॉट्स लीफ पड़ते हैं वो भी कंट्रोल हो रहे हैं, और तीसरा जो है क्या चीज, जो तुम्हारा फ्रूट का जो फ्लावर का जो कलर है वो भी, ये तीनों के तीनों जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक जीन्स के द्वारा क्या चीज हो रहा है, इन्फ्लुएंस बोल दो या कंट्रोल बोल दो, तो वही क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। मैनी जीन्स आर नोन एज नोन टू अफेक्ट मोर देन वन करेक्टर, सच जीन्स आर कॉल्ड नोन एज द प्लियोट्रोपिज्म जीन्स, मतलब एक जीन्स के द्वारा जब बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो या कंट्रोल किया जा रहा हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हम एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लियोट्रोपिक जीन्स इन ह्यूमंस बीइंग द रिसेसिव जीन एस विच प्रोड्यूस सिकल सेल एनीमिया इन ट्रिपल एस होमोजाइगस, ठीक है ना, तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। उसमें जो रिसेसिव जीन होता है जिसको हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करता है, सिकल सेल एनीमिया को भी देखता है, ठीक है, इन होमोजाइगस कंडीशंस। अलग रखा, दीज जीन कॉज चेंज इन टू और मोर पार्ट्स ऑफ करेक्टर्स विच आर नॉट रिलेटेड देन द जीन इज सेट टू द प्लियोट्रोपिक जीन। लेकिन एक बात और मैं इसके बारे में ऐड करना चाहूंगा कि प्लियोट्रोपिज्म जो है क्या है, नॉट एसेंशियल दैट ऑल ट्रेट्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसा तीन, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया मटर के पौधे में, ये तीन अलग अलग करेक्टर्स को जरूर इफेक्ट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जीन इन तीनों करेक्टर्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इसमें से हो सकता है कि ये जीन सीड कोट कलर को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हो, सीड रेड स्पॉट्स को लीफ पर कम कर रहा हो, या फिर तुम्हारा जो है क्या चीज, फ्लावर के कलर को ज्यादा कर रहा हो। ये कहने का मतलब ये है, एक जीन कई सारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन सारे करेक्टर्स को वो इक्वली ट्रीट करेगा, किसी को ज्यादा भी कर सकता है और किसी को कम भी कर सकता है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, सिकल सेल कैरियर्स कपल्स हैं जिसमें से एक जो है वो कैसा है, सिकल सेल कैरियर है और दूसरा भी सिकल सेल कैरियर्स है। यहाँ पर हमने एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, ए का मतलब एबसेंट और एस का मतलब सिकल सेल जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये इनके गैमेट्स हैं, एच ए एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, ए मतलब एबसेंट, एस मतलब सिकल सेल का उसमें कैरियर है, ठीक है ना। तो उनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि नॉर्मल जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका रेशियो 1 है, और सिकल सेल एनीमिया कैरियर्स जो हैं उसका रेशियो 2 है, और जो है सिकल सेल जिनमें प्रेजेंट है एनीमिया जो है जिनकी डेथ हो जाएगी उसमें क्या है उसका रेशो भी कैसा है, 1 है। तो जो उसका रेशो आया है वो आया है मेंडल्स के सेकेंड लॉ के अनुसार, जो उसमें जीनोटाइपिक रेशो था क्या था, 1:2:1, ठीक है। कैरियर्स का मतलब ये होता है कि उनके अंदर वो एक तरीके से जीन तो प्रेजेंट है या एलील्स तो प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ एज ए कैरियर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल का रेशियो 1 है और सिकल सेल कैरियर्स का रेशियो 2 है, और जो है जिसमें सिकल सेल एनीमिया जो है उसका रेशियो 1 है। नेक्स्ट है स्यूडो एलील्स।
नेक्स्ट टॉपिक जो है, छोटे छोटे से दो टॉपिक इसके साथ हैं, सीडो एलेज। सीडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है, और एलील आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है? तो मतलब इस तरीके को बोल, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं झूठे एलील्स। डेफिनेशन देखते हैं, सीडो एलील्स आर द जेनेटिक वेरियंट्स दैट मिमिक द बिहेवियर ऑफ एलील्स बट अराइज फ्रॉम डिफरेंट जीन और लोकस। इसका मतलब ये होता है, मिमिक का मतलब होता है पहले नकल करना, कॉपी करना। तो जो सीडो एलील्स जो है वो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं जो कि नकल करते हैं बिहेवियर ऑफ एलील्स, एलील्स की तरह बिहेव करते हैं, बट अराइज फ्रॉम डिफरेंट जीन और लोकस, जो कि अराइज होते हैं किससे? किसी दूसरे जीन्स के द्वारा या किसी दूसरे लोकस के द्वारा, ठीक है? दे एक्सहेबिट सिमिलर इफेक्ट ऑन द ट्रेट्स ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी और फंक्शनल सिमिलरिटी, ठीक है ना? ये कैसे होते हैं? एक्सहेबिट्स होते हैं सिमिलरली, किसके जैसे इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे एलील्स की तरह, जिनका फंक्शनल कैसा होता है, जिनका फंक्शन जो है वो फंक्शनली ये कैसे होते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। ये जो सीडो एलील्स जो है, ये सबसे पहले टर्म दिया था किसने? टी एच मॉर्गन ने दिया था इन 1928, और इसी को सपोर्ट किया था किसने? लिवाइस ने किया था इन 1948। अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं, ठीक है, और दूसरा ट्रेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना? जो ट्रेट्स होती हैं, सिमिलर ट्रेट्स होती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है जीन फैमिलीज और फंक्शनल रेडेंसी, ठीक है? तो ये जो है कुछ छोटा सा टॉपिक है सीडो एलील्स। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग सीडो एलील्स एड्स इन डिसेक्टिंग कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स इंटरेक्शंस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स, क्रूशियल इन जेनेटिक स्टडी एंड द ब्रीडिंग्स प्रोग्राम्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग नॉन एलेलिक इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रेड्स, ठीक है ना? इसका हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक जो ब्रीडिंग्स जो होते हैं, ब्रीडिंग्स प्रोग्राम्स, उसमें किसको? नॉन एलेलिक इन्फ्लुएंस को जो है पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं किसी ट्रेड्स के लिए। और एग्जाम्पल्स की बात करें, हॉक्स जीन जो होते हैं वो सीडो एलील्स का एग्जाम्पल है। हॉक्स जीन्स, मेंबर ऑफ हॉक्स जीन्स क्लस्टर माई एक्सहेबिट सीडो एलील बिहेवियर ड्यू टू सिमिलर सिमिलर रेगुलेटरी फंक्शंस। दूसरा दे रखा है एंजाइम्स फैमिलीज, डिफरेंट एंजाइम्स विद एनालॉगस फंक्शनल्स डेमोस्ट्रेटेड सीडो एलील्स इफेक्ट, ठीक है? तो वो एलील्स जो तुम्हारा, जिनका जो है इन्फ्लुएंस जो है वो फिनोटाइपिकली रिप्रेजेंट नहीं होता हो, और वो एज ए क्या करते हो, वो एज ए नॉन एलेलिक इन्फ्लुएंस्ड करते हो, ठीक है ना? उसको हम क्या कहते हैं? सीडो एलील्स बोलते हैं, ठीक? होप सो यू लाइक द वीडियोस। इफ यू लाइक द वीडियोस सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स। ओके, थैंक यू।